Hello friends, this is Karan, also known as Trend Trader Karan on YouTube. So I welcome you to this Espresso's YouTube channel. तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक्स के बारे में समझेंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी समझेंगे, तो काफी गुड नॉलेजेबल वीडियो रहेगा। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मजा आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों कैंडलस्टिक्स की बातें करें कि व्हाट आर कैंडलस्टिक्स, तो कैंडलस्टिक्स आपने कोई भी अगर चार्ट्स देखे हैं स्टॉक मार्केट के या किसी फाइनेंशियल एसेट्स के, तो उसमें ज़्यादातर आपको कैंडल्स ही दिखेंगे। चार्ट्स अलग टाइप के भी आते हैं जिसमें कि लाइन चार्ट्स भी होते हैं, बार चार्ट्स भी होते हैं, बट देन कैंडलस्टिक्स जो होते हैं दोस्तों, कैंडल चार्ट जो होता है सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले चार्ट्स हैं। तो कैंडलस्टिक्स एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या करते हैं मैं आपको वो बताऊँगा। तो सबसे पहले तो एक होता है बुलिश कैंडलस्टिक और एक बेरिश कैंडलस्टिक। बुलिश और बेरिश में क्या फ़र्क होता है, खाली कलर का फर्क नहीं होता है। जैसे आप देखोगे तो बुलिश कैंडलस्टिक जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और जो बेरिश कैंडल होता है दोस्तों वो एक रेड कलर का होता है। तो इसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो कैंडल्स, एक जो कैंडलस्टिक होती है दोस्तों उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कि एक होता है उसका अपर का विक, एक होता है नीचे का विक और एक होता है बीच की बॉडी दोस्तों, जो कि आपको ऐसे दिखेगी। तो ये बॉडी का जो कलर है वो डिसाइड होता है कि ये बेरिश है कि बुलिश है, उस हिसाब से उसका कलर डिसाइड होता है। अगर ये रेड कैंडल है दोस्तों तो इसका मतलब प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ था उस टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम की बातें कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम फ्रेम मिलकर अलग कैंडल स्टिक बन जाती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल हम एक कैंडल की वाली बातें कर लेते हैं। तो जिसमें ऊपर का जो बॉडी होता है दोस्तों, वो बॉडी का जो लेवल होता है वो ओपन प्राइस होता है और जो बॉडी का नीचे का लेवल होता है वो क्लोजिंग प्राइस होता है। और नीचे की जो विक होती है दोस्तों, आप ऐसे देखोगे तो ऐसे डंडी जैसा ऊपर और नीचे दिखेगा आपको एक कैंडल स्टिक में, तो उसको लोअर शेडो भी बोलते हैं, विक भी बोलते हैं। तो जो नीचे की विक होती है वो मार्क करती है उस कैंडल स्टिक का उस टाइम फ्रेम में लो क्या बना था और उस कैंडल स्टिक का उस टाइम फ्रेम में हाई क्या बना था। वो अपर की जो विक होती है, अपर शेडो जिसको हम बोलते हैं, वो मार्क करती है। और सेम ऐसे ही जो बुलिश कैंडल स्टिक होती है दोस्तों, उसमें ओपन हमेशा नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। आप दोनों कैंडलस्टिक में डिफरेंस मेन देखोगे तो जो बेरिश कैंडलस्टिक होती है उसमें ओपन हमेशा ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, और जो बुलिश होती है उसमें क्लोज ऊपर होता है लेकिन उसका ओपन नीचे होता है। अगर प्राइस नीचे ओपन होकर ऊपर गया इसका मतलब उस दिन प्राइस बढ़ा, इसके लिए इसको हम बुलिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। अगर प्राइस ऊपर ओपन हुआ और उसके बाद नीचे गिरा प्राइस, तो इसका मतलब ये बेरिश कैंडलस्टिक हो गई। तो दोनों में डिफरेंस खाली ओपन और क्लोज प्राइस का होता है और कलर का होता है, और हाई और लो जो होता है दोस्तों वो दोनों का सेम होता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की कैंडलस्टिक्स मिलके एक कैंडलस्टिक को कैसे क्रिएट कर सकती है। तो हम सपोज करते हैं ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं चार्ट ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम का है और इधर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 15 मिनट्स की ये एक कैंडल बनी और 15 मिनट्स में एक और ये सेकंड कैंडल बनी, तो इन दोनों कैंडल्स में से जो हाई होएगा वो 30 मिनट्स की कैंडल में मार्क किया जाएगा और इन दोनों को मिलके जो लो बनेगा दोस्तों वो मार्क किया जाएगा 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक का। और ये दोनों की जो बॉडी होगी वो मर्ज करके जितना एरिया बनेगा दोस्तों उसे इस कैंडलस्टिक में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये दो 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम की कैंडल या 15 मिनट्स की कैंडल दो मिलके बन जाती है एक 30 मिनट्स की कैंडल। ऐसे ही दोस्तों अगर वीकली कैंडल और डेली कैंडल की बातें करूं तो जो भी पांच कैंडल होती है मंडे टू फ्राइडे की, वो मिलके एक कैंडल बनती है जिसको कि हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल बोलते हैं। और वो कैंडल्स में जो भी हाई होएगा दोस्तों वो हाई मार्क किया जाएगा, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होएगा वो लो मार्क किया जाएगा, जो ओपन प्राइस होएगा वो ओपन मार्क किया जाएगा और जो क्लोज प्राइस होगा दोस्तों वो क्लोज मार्क किया जाएगा। और इस तरीके से एक वीक की कैंडल बन जाती है जब फाइव कैंडल स्टिक्स डेली की मर्ज हो जाती है दोस्तों। तो फाइव कैंडल स्टिक में जो भी ओपन प्राइस और जो क्लोज प्राइस होगा वो बॉडी क्रिएट करेगा और जो हाई और लो होगा वो उसका वीक मार्क करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स होती है उसकी कैंडल स्टिक्स मर्ज होकर एक बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल बनती है दोस्तों। तो दोस्तों ये खाली कैंडल्स की बातें थी, अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बहुत सारे होते हैं, उसमें से कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऐसे हैं जो हमारे काम के, जिसको हम ज्यादा फोकस में रख सकते हैं, सो उसके बारे में देखते हैं, आइए। तो दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन जो मेरी फेवरेट दो पैटर्न्स है मैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। तो एक है एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों, उसमें एक बुलिश एंगल्फिंग भी होता है, बेरिश एंगल्फिंग भी होता है। तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं दोस्तों। तो इसमें आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और एक फिर छोटी कैंडल सब बन रही होती है और अचानक से एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है दोस्तों। तो जब ये एक बुलिश बड़ी कैंडल बन जाती है तो इससे क्या होता है, एक टाइप से सेंटीमेंट चेंज हो गया ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस आप देखोगे तो प्रीवियस जो लो था उसके भी नीचे खुला था और क्लोजिंग प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर आके क्लोज हुआ है और एक बड़ी सी कैंडल बनती है। इसको एंगल्फिंग क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस जो कैंडल होती है उसको पूरा एंगल्फ कर देती है,
या प्रीवियस जो कैंडल होती है वो इसके अंदर पूरी समा गई होती है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, और एक ये बहुत ही बड़ी कैंडल बनती है। तो इससे ऐसा बायस बना जाता है कि ये जो बायर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। और सेम जो बेरिश एंगल्फिंग होती है वो इसकी अपोजिट होती है दोस्तों, जिसमें कि मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा होता है, फिर कोई छोटी कैंडल बन रही होती है और फिर अचानक से एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाती है, जिसको कि हम बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। उसमें प्रीवियस जो कैंडल होती है दोस्तों वो उसके अंदर समा गई होती है, इसके लिए इसको एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। और ये एक रिवर्सल का सिग्नल होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर रिवर्सल पैटर्न स्पॉट करने में काम आता है, बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग कैंडल्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ चार्ट पे, वो भी दिखाता हूँ। जैसे तो ये एक चार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, और हमारे लिए अगर 200 पीरियड मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट काम करती है तो आप देखेंगे 200 मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली बाउंस होता है और इस जगह पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की जो कैंडलस्टिक है वो बनी थी। तो उससे हमें पता चलता है कि एक रिवर्सल स्पॉट हुआ है, तो इस रिवर्सल को हम यूज कर सकते हैं, ऐसे सेंटीमेंट्स बायस अंदर आ चुके हैं, बायस एफ 15 ऐसा हम समझ सकते हैं, सेंटीमेंट्स बुलिश हो चुके हैं, एक ऐसा एस्टिमेट किया जाता है। और यहाँ से आप देखोगे तो फिर प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरीके से बुलिश एंगल्फिंग जो पैटर्न होती है उसको यूज़ किया जाता है। और सेम इसका अपोजिट अगर होता, अगर कोई मार्केट ऊपर जा रहा होता, एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है जिसमें कि नीचे की तरफ मार्केट शिफ्ट हो रहा था और एक पुल बैक आता ऊपर की तरफ जाता, और यहाँ पर अगर कोई इस टाइप से बेरिश एंगल्फिंग कैंडल हमें मिल जाती दोस्तों, तो वो हमारे लिए एक सेंटीमेंट चेंज करने वाली बात होती है और या एक रिवर्सल स्पॉट करने वाली बात होती है, और यहाँ से वापस से मार्केट नीचे जा सकता है। दैट इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी, हम उस तरीके से जज करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख के। अब दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो कि है हैमर कैंडलस्टिक। तो ये बुलिश हैमर है, ऐसे ही सेम बेरिश हैमर भी होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि विक जो होता है नीचे की तरफ बहुत बड़ा होता है और ऊपर की बॉडी छोटी होती है, और ये एक हैमर के जैसा दिखता है, इसलिए इसको इस तरीके से हैमर बोला जाता है। इसमें जो प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है कैंडल की, वो मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ दोस्तों। तो इसमें ओपन जो होता है, एक ओपन प्राइस होता है और फिर उसके बाद प्राइस काफ़ी नीचे तक जाता है, लेकिन आप अगर देखोगे बायर्स वापस से एंटर करते हैं और प्राइस को ऑल द वे ऊपर की तरफ पुश करते हैं, और जो क्लोजिंग होती है दोस्तों वो ओपन प्राइस से भी ऊपर ले जाके उसकी क्लोजिंग करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द कैंडल्स जिसमें हम बोल सकते हैं कि बायर्स बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी प्राइस नीचे जा चुका था, उसके बाद बायर्स वापस से अंदर एंटर हुए और उनने प्राइस को ऊपर की तरफ मूव किया। और सेम ऐसे ही जो बेरिश हैमर होता है दोस्तों, वो कैसा होता है कि उसमें आप इस टाइप की आपको एक कैंडलस्टिक दिखेगी जो कि रेड कलर की होगी। इसका मतलब ये होता है, इसके पीछे जो साइकोलॉजी है दोस्तों वो ऐसी होती है कि ओवरऑल प्राइस ओपन हुआ था और फिर काफ़ी ऊपर गया, बट देन वापस से बेयर्स अंदर किक इन हुए या जो सेलर्स है वो हावी हो गए और उनने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया और जो ओपन प्राइस था उससे भी नीचे ले जाके उसकी क्लोजिंग की। तो ये एक टाइप से हमें बेरिश सेंटीमेंट्स देती है। इससे पता चलता है कि मार्केट यहाँ से शायद अब रिवर्सल कर रहा है, नीचे जा सकता है। बट जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती है दोस्तों, वो अकेले ऑन इट्स ओन नहीं यूज़ की जाती है, कहीं ना कहीं चार्ट्स में उसके दूसरे कॉन्फ्लुएंस को देखा जाता है। जैसे अगर हमें हैमर यूज़ करना है दोस्तों, तो अगर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है जिसके बीच में प्राइस घूम रहा है, तो हम उसमें देखेंगे यहाँ पे अगर हमें ये हैमर मिलेगा तो हमारे लिए ये एक बुलिश सिग्नल है। कहीं पे भी चार्ट में हैमर मिलेगा तो वो बुलिश सिग्नल नहीं हो जाता है। और सेम ऐसे ही अगर ऊपर की तरफ से रेसिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे अगर प्राइस रिजेक्ट होता है और यहाँ पे इस टाइप का आपको बेरिश हैमर मिलता है दोस्तों, तो ये बेरिश हैमर फिर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारे काम का। इसलिए चार्ट्स पे अकेले कैंडलस्टिक को देख के कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, चार्ट्स पे दूसरी बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं, और ये जो होती है वो एंट्री एग्जिट्स के लिए एक ट्रिगर का काम कर सकती है जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती है दोस्तों हमारे लिए। तो आई होप दोस्तों जो कैंडल्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो थी इसमें कुछ नया सीखने मिला होगा, कुछ मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक जरूर प्रेस करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि कमिंग वीडियोस में आप कौन से टॉपिक्स चाहते हैं कि हम कवर करें एक्सप्रेसो के इस YouTube चैनल पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे लर्निंग के न्यू वीडियोस कमिंग डेज में इस चैनल पे आते ही रहेंगे। सो टिल दैट टाइम टेक केयर, दिस इज मी करण साइनिंग ऑफ। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।